हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो NDA 2 2019 नवंबर के लिए है। इस सेशन का पर्पस क्या है वो बता दूं कि जो जो आपने पिछले सेशन का मैंने जो सेशन डाला था उसमें जो जो डाउट पूछे थे वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो जो आपने कमेंट्स लिखे उन सबका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि हर कमेंट्स पर कई बार इंडिविजुअल रिप्लाई देना मुश्किल होता है, तो मैं इस सेशन के थ्रू बताना चाहूँगा। दूसरा कि अभी हमारे पास लगभग देखिए अगर हम देखें तो पूरा अगस्त सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर ये 3 मंथ्स प्योर हैं। नवंबर में 17 को होना एग्ज़ाम तो भी आपके पास 17 दिन रिवीजन के लिए हैं। अभी जुलाई के भी देखें तो हम 1 वीक के आसपास बचा हुआ, यानी अभी भी हम लोग अगर पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट को आप दे सकते हैं। इसके अलावा कि कुछ बच्चों ने मुझे स्पेशली मैसेज भेजा था, सेशन का पर्पज भी है कि सर ये लास्ट चांस है NDA का, क्या करना चाहिए। तो मैं आप सबको आपके पहले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर उनका एक एक करके मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो जो जो क्वेश्चंस हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले एक जैसा क्वेश्चन आया था कि सर 12th में कितने परसेंट चाहिए NDA के लिए। देखिए मैंने इसके पहले भी कई बार बताया है, आपको मिसगाइड नहीं होना है। NDA NA के एंट्रेंस एग्जाम में 12th का परसेंटेज मैटर नहीं करता। आप चाहे 45% हैं, चाहे 50 हों, चाहे 55, आप ये परसेंटेज बेस एग्जाम नहीं है। परसेंटेज की कहाँ जरूरत पड़ती है कि अगर आप सपोज TES की एंट्री के थ्रू जा रहे हैं, नेवी टेक की, तो फिर आपको परसेंट लगता है। इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा जो जो आपने सर आपके क्लासेस से कहाँ पर है तो एक बात याद रखिएगा, इम्पिटस जो है वो भोपाल में है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस से कैसे जुड़े तो देखिए ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना बहुत आसान है। आप इम्पिटस गुरुकुल की वेबसाइट पर जाइए impetusgurukul.com पे, और वहाँ से आप ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें कंप्लीट आपको मैथ्स का कोर्स मिलेगा और साथ में रेगुलर टेस्टिंग पेपर मिलेंगे। अभी भी रेगुलर बच्चे जुड़ते जा रहे हैं और उससे आप बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा सर 3 मंथ्स में तैयारी कैसे करें, सर 3 मंथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है, ये मेरा लास्ट चांस है, क्या करना चाहिए। तो ये इस तरह के जो आपने क्वेश्चन भेजे हैं मैं उन सबका आपको डाउट बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप में से हो सकता है कि किसी का लास्ट अटेम्प्ट हो। लास्ट अटेम्प्ट NDA का है, डिफेंस में जाने का लास्ट अटेम्प्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डिफेंस में एक अच्छी बात यह है कि जिस दिन जिस एज पर NDA ख़त्म होता है उसके बाद से CDS स्टार्ट होता है, बट ये ग्रेजुएट एंट्री होती है, ये 12th एंट्री होती है। बट अभी उसके बारे में भी नहीं सोचना है, क्योंकि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपका ड्रीम डिफेंस में जाना है तो कोशिश करें कि NDA के थ्रू जाएं। सबसे अच्छी एंट्री भी NDA कहलाती है, या TES के थ्रू, नेवी टेक के थ्रू, CDS के थ्रू, और भी बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। हमें ये पता ही नहीं होता है कि डिफेंस में जाने के कितने तरीके होते हैं, इसलिए कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपका NDA लास्ट अटेम्प्ट है तो एक बात मैं बिल्कुल श्योर हूँ, ये पहले बता दूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ क्लासरूम कोर्स में भी क्या चल रहा है। जितने भी बच्चे NDA जो बोलते हैं कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं आप उन सबको एक क्वेश्चन बोलूँगा। आप NDA का लास्ट अटेम्प्ट पेपर जरूर दे रहे होंगे, पर इसके पहले आप NDA दे चुके होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ असेसमेंट। आपको ये असेस करना बहुत ज़रूरी है कि आप किन सब्जेक्ट में प्रीवियस NDA के पेपर्स में लैग कर गए, कहाँ पर आपका स्कोर कम था, कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हुआ, कहाँ पर आपने गैसिंग करी। अगर आप एक सेल्फ इवैल्यूएशन अच्छे से करते हैं, और ये जो मैसेज मैं दे रहा हूँ ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं, हर एक अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो तो भी, चाहे सेकंड हो तो भी, चाहे थर्ड हो, ये मत सोचिए कि लास्ट अटेम्प्ट तक हमें जाना है। जिस एग्जाम को दे रहा हो कोशिश करिए उसी का रिटर्न निकाल पाएं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप एक पॉजिटिव लॉजिकल सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करें तो। अभी भी ये हमारे पास 3 प्योर मंथ्स हैं, इसके अलावा भी हमारे पास मोर देन 25 डेज हैं। यानी अगर हम एक सिस्टमेटिक वे से सोचें, जब मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि ये पहली बार है कि नवंबर में एग्जाम हो रहा, नहीं तो सितंबर में एग्जाम होता और उस समय उतना ही टाइम मिलता है जितना अभी अभी आपके पास बचा है। इसका मतलब है एक पॉजिटिव लॉजिकल पढ़ाई करने से हम NDA में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जरूरत क्या है ये बात समझने की बहुत जरूरत है। अभी क्लास में हमने डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट किया, मैथ्स में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है, फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी एंड हो गया है, अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ। इस वीक में डिफरेंशिएशन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 1 वीक के बाद, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, यानी लगभग 15 अगस्त तक ट्राई करूंगा मैं कि कैलकुलस कंप्लीट हो जाए, हो सकता है वो 20 भी हो जाए। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जो भी चीज़ हम कंप्लीट करें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से करें। तो पहली चीज़ जो है वो है, फिर मैं अभी आता हूँ कि ड्रॉप जिनका लास्ट डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद
फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, वेक्टर, 3D, एल्जेब्रा, ये सारा रिसाइक्लिक ऑर्डर में करवाया जाएगा। यानी अभी अभी भी जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया था या जो ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं, उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे एकेडमी में या जैसे मैं ऑनलाइन वाले बोलता हूँ कि अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम पूरी मैथ्स को प्रॉपर तरीके से कवर कर लें। और आप लोग एक और चीज़ पूछते हैं कि कौन सी बुक प्रैक्टिस में की जाए, तो सबसे अच्छा तो मैं बोलूँगा NCERT की बुक कर सकते हैं तो वो कर लें, या RS अग्रवाल कर लें, या RD शर्मा। पर RS अग्रवाल या RD शर्मा में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, आप उतना कवर नहीं कर पाते, उस केस में मैं बोलूँगा कि एग्जाम्पल्स करें। अदरवाइज NCERT की बुक काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए, और नॉट ओनली फॉर मैथ्स, साइंस के लिए भी इसी बुक को फॉलो करें, सोशल साइंस के लिए भी इसी बुक को फॉलो करें। और ये मत सोचिए कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है या आपका सेकेंड अटेम्प्ट है। अगर जिन कई बच्चे ये भी होते हैं कि सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट वाले सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास टाइम है, ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। आप ये सोच के करिए कि इस अटेम्प्ट में आप बेस्ट स्कोर करें। यानी अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैथ्स में, अगर आपका ड्रीम देखिए डिफेंस है, डिफेंस देखिए जो भी चीज़ आप चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आप सपना देखते हैं वो जब ही पूरा होगा जब आप सोना कम करते हैं। यानी सपना उन्हीं का पूरा होता है जो सोना छोड़ देते हैं, यानी सोना कम कर देते हैं। आप अपनी नींद को कम करिए, 5-6 घंटे की नींद सफिशियंट है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिवली तैयार करेंगे तो ही रिजल्ट हो सकता है। आप किसी प्लेयर के जीवन से देखिए, वो घंटों मेहनत करता है एक सिंपल, एक छोटे से गोल्ड मेडल के लिए, एक 100 मीटर की रेस के लिए, 10 सेकंड की रेस के लिए 10-10 घंटे की प्रैक्टिस की जाती है। वही चीज़ आपको, वही विल पावर, वही पॉजिटिव कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि आपको जाना है, क्योंकि देखिए आप रिटर्न निकाल भी लेंगे तो SSB जब ही निकलेगा जब आप सेंसिबल होंगे, जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, जब आप मैच्योर्ड होंगे, जब आप डिसिप्लिन होंगे, जब ही पॉसिबल है कि आप SSB निकाल पाएं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ SSB में आपको असिस्ट करने वाले हैं आपके सीनियर्स ऑफिसर्स, वो क्वालिटीज आपके अंदर आना है। आपको अपने अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन अभी से डेवलप करना है कि SSB के लिए जब आप जाएं तो आप वहां से फाइनल थ्रू होकर निकलें। उसका एक ही तरीका है कि अभी से आप अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा बना लें कि कोई आपको रिजेक्ट ना कर पाए। एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, एक ऑनेस्ट, डिसिप्लिन इंसान बनने की कोशिश करिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबरों के लिए सिलेक्शन होगा कि नहीं, इन सब को छोड़ दो, पढ़ाई करो नॉलेज के लिए। जब भी आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो अभी भी मैं आप सभी बच्चों को, क्योंकि आजकल मेरे पास अभी में बहुत बच्चों के फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, तो ऐसे में हर बच्चे से कई बार बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं सारे मैसेज को पढ़ने के बाद ही आपके साथ ये सेशन डिस्कस कर रहा हूँ कि हम ऐसा क्या है जो कर सकते हैं। हम कर सकते हैं अपने पॉजिटिव एफर्ट्स। आप अपना 100% दीजिए, रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता छोड़ के। अगर आपका फोकस रिजल्ट पे होगा तो हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा ना है। आपका फोकस अगर पढ़ाई पर होगा, आपका फोकस सब्जेक्ट पर होगा, आपका फोकस नॉलेज पर होगा, तो आप एक अच्छे रिजल्ट की तरफ टर्न हो सकते हैं। तो अभी भी ये बहुत पॉसिबल है कि आप एक अच्छे रिजल्ट पे टर्न हो सकें और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसलिए मैं सभी को बोलूंगा, आप लास्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, सब बातें दिमाग से निकाल दें। अभी आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि आप कैसे अपने सिलेबस को पॉजिटिवली करें। नॉट नेसेसरी कि 100% करें, 60% सिलेबस करें, 70% करें, पर वो 100% कर लें तो भी आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इस पॉजिटिव माइंड के साथ प्रिपरेशन करें अगले 3.5 मंथ्स, देखिए आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। 12th अपेयरिंग बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा कि आप ट्राई करें कि आपने 11th का सिलेबस तो करा, 12th का सिलेबस नवंबर तक मैथ्स का ही तो कवर करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करना है। अगर आप NDA सोचते हैं तो NDA में 11th 12th का फिजिक्स का पोर्शन है ही नहीं ना, केमिस्ट्री का है, तो आप केवल मैथ्स को कवर कर लें। उसका एक फायदा यह भी होगा कि 12th में परफॉर्मेंस बढ़ेगी, एज वेल एज आप NDA में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि NDA का मतलब होता है कि NDA में सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट है तो वो मैथ्स है। तो मैथ्स में आपको ट्राई ये करना है, जो मैंने कोशिश करता हूँ एकेडमी में भी, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी एक ही बात बोलता हूँ कि हम ट्राई करें कि हम 300 में से 200 प्लस स्कोर करें, 250 प्लस स्कोर करें जो पॉसिबल है। उसके लिए आपको 120 क्वेश्चन को रीच करना है। उसके लिए आपका क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स अच्छा होना चाहिए। जब मैं यहाँ देखता हूँ जो बच्चे यहाँ पर आते हैं कि वो बिल्कुल वही स्टैंडर्ड मेथड से कर रहे होते हैं जिस मेथड से 12th किया, अगर ऐसे आपने क्वेश्चन किए तो आप अटेम्प्ट नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए इसीलिए मैंने आपके साथ पेपर सॉल्यूशन शेयर किया। आप देखिए, आप समझिए कि
कि क्वेश्चन को देखना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो कैसे करना है, डिफरेंशिएशन का तो कैसे करना है, फंक्शन का तो कैसे करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तो कैसे करना है, ये सारी चीजें आपके थॉट्स में आना चाहिए। उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, अपने आप को देना पड़ेगा, अपनी जान देना पड़ेगी आपको, अपना सब कुछ जब आप सौंप देंगे पढ़ाई में तो देखिए आप कैसे अच्छा रिजल्ट नहीं आता। दूसरा, जीएटी में एक बहुत ही प्रॉपर वेल प्लान्ड तरीके से प्रिपरेशन करिए। मैथ्स में तो आप इसको लाते हैं पर कई बार आप जीएटी में रह जाते हैं, कभी मैथ्स में, जीएटी में ट्राई करिए कि इंग्लिश में आप 100 प्लस स्कोर करें, जीएस 100 प्लस, 200 में से आपको मैं 100 की बात कर रहा हूँ, ये भी 200 में से, फिजिक्स 100 में से आप 70 से 80 कर सकते हैं, केमिस्ट्री 50 में से आप 25 और बायो भी 25 के आसपास अगर आप स्कोर करते हैं तो आप 300 को क्रॉस कर सकते हैं। यानी अगर एक वेल प्लानिंग तरीके से प्रिपरेशन की जाए तो पॉसिबल है। दूसरी बात, गैसिंग नहीं करनी है। नंबर थर्ड, सिटिंग्स की आदत डालनी है आपको, वो आदत डालनी पड़ेगी। अभी आपकी जैसी फाइनल टेस्ट सीरीज होगी तो एक दिन में आपको दो दो पेपर ही देने होंगे, पहले मैथ्स का 2 घंटे, 2.5 घंटे का, और उसका 2 घंटे का, 2.5 घंटे का जीएटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई बार ये आती है कि हमारी सिटिंग ही नहीं होती। आप में से जितने लोगों ने एनडीए दिया होगा आपने देखा होगा कुछ बच्चे पूरे 2.5 घंटे ही नहीं बैठ पाते। सोचिए कि जब आप अपना 100% ही पेपर के समय नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे एक अच्छे रिजल्ट को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन जब ही कर सकते हैं जब आप एक बहुत अच्छी पढ़ाई करें, एक पॉजिटिव पढ़ाई करें। केवल एग्जाम का फॉर्म या नोटिफिकेशन आने से, फॉर्म भरने से नहीं होगा। अगले महीने आपको इसको पता है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिफोर नोटिफिकेशन अपने आप को मेंटली फिजिकली हर तरह से तैयार करिए। जो अब तक नहीं करा है वो सब करिए जो रिक्वायर्ड है। इसलिए जो लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको अपना प्रीवियस एनालिसिस असेसमेंट करना होगा कि कहाँ कहाँ पर लैग करे, इंग्लिश में, मैथ्स में, जीएस में, किस में। जीएस एक बहुत बड़ा पार्ट है, कुछ बच्चे बोलते हैं और जीएस में कभी कभी हो सकता है आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो, वही प्रॉब्लम हुई थी, पर पॉलिटी इजी आता है, ज्योग्राफी इजी आता है, करंट अफेयर्स आपको पता है कि क्या क्या इवेंट्स लास्ट 6 मंथ में हो रहे हैं, अभी आपको सब दिखता है न्यूज़पेपर्स की, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने पास कलेक्ट करके रखिए। कैसे पॉसिबल नहीं है कि नहीं होगा। इंग्लिश में जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं आप देखें, लास्ट 5 ईयर से उसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। उन पैटर्न्स में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होती है, किन क्वेश्चन में कहाँ पे दो दो तीन तीन ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है वो समझिएगा। फिजिक्स के लिए मैंने आपको बोला है कि 10th 11th की आप एनसीईआरटी को करिए। जीएस के लिए तो सबसे अच्छी, सोशल साइंस के लिए सबसे अच्छी बुक है अगर कोई तो वो एनसीईआरटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं। पढ़ना स्टार्ट करिए, सोचिए मत, एक्शन लीजिए, दिन रात मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए अपने आप से कि आपको ये ना लगे कि मैंने मेहनत में कमी की। रिजल्ट क्या होगा वो छोड़ दो, आपको एक अंदर से बिलीव होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया। आप वैसे भी डिफेंस में जा रहे हैं, आपको अपना हमेशा 100% देना होगा। रिजल्ट क्या होंगे ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपके सामने भी सेना होती है। आप समझ के चलिए, आप सोचिए, अपने आप को प्रैक्टिकली उस जगह रखिए कि आप जिस जगह जा रहे हैं उस जगह रिजल्ट क्या होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि आप उस जगह अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं। तो एक अपना 100% देने की कोशिश करिए। अभी 3 मंथ्स का टाइम है, 3 मंथ्स में बिल्कुल पूरी पूरी मैथ्स को रिविजन कर सकते हैं। आज ऑनलाइन वाले बच्चे जो जुड़ते हैं वो बिल्कुल मैंने जैसा बताया उस ऑर्डर में पढ़ते हैं। और सभी ऑनलाइन वालों को बोलूंगा जो अभी अभी जुड़े हैं कि जो निकल गया उसकी चिंता मत करो, जो प्रीवियस टेस्ट है उनको भी अभी मत दो। आप पहले कैलकुलस पढ़ना चालू करो, कैलकुलस के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कर लो, पहले कैलकुलस करो, कैलकुलस के बाद फिर आप स्टैटिस्टिक्स करो, स्टैटिस्टिक्स के बाद वेक्टर, 3D एलजेब्रा और फिर ट्रिग्नोमेट्री और फिर कैलकुलस। यानी आप किसी भी ऑर्डर में, एक साइक्लिक ऑर्डर में चलते चलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप क्लासरूम कोर्स के साथ चलेंगे तो आपको टेस्ट भी उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे, टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस भी उसी ऑर्डर में आएगा। इन सब का बेनिफिट लीजिए, फायदा उठाइए, बिल्कुल समय है कि आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो बिल्कुल निराश मत होइए, ये सोच के मत दो कि लास्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड, आप तो ये सोच के दो कि मैं अपना 100% प्रिपरेशन करके जाऊंगा और वही करूंगा जो मुझे आता है, कोई गेसिंग नहीं। और हर पेपर में अपना 100% दीजिए, पूरे पेपर का जितना टाइम मिलता है उतने टाइम बैठने की एक आदत डालिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।